So now coming to the next topic, that is state variables and state functions. State variable and state function से देखिए बेटा क्या समझते हैं हम. मान लीजिए ये गैसियस स्टेट है और इसको लिक्विड स्टेट पे लेके हमें जाना है. मान लेते हैं मेरा प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है एंड वॉल्यूम कुछ 300 केजी था. तो अब आप बताइए हम ऐसा क्या इसमें इसके स्टेट में वेरिएबल्स फिट कर दें या ऐसा स्टेट में क्या फंक्शन लगा दें कि ये गैस से कन्वर्ट होकर लिक्विड में आ जाए. तो बट नेचुरल है गैसेस के मॉलिक्यूल्स आर बहुत दूर दूर होते हैं, वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो पहले तो हमें गैस से लिक्विड में करना है तो मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना होगा, मतलब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाना होगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, प्रेशर को इंक्रीज करना होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक लास्ट मिल जाएगा. तो इस तरीके के जब चीज़ें हम पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन जब करने की कोशिश करते हैं एक स्टेट के वेरिएबल को दूसरे में या उसके स्टेट के फंक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन. दिख रहा है आपको कैसे मैंने गैस से लिक्विड किया. अब सपोज़ ये लिक्विड था तो लिक्विड से गैस भी तो कर सकते हैं, LPHT से लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो हमारा कोई भी लिक्विड सब्सटेंस वो किस में चला जाएगा, गैस में. अब स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन है क्या, ये डिफाइन करता है सिस्टम की कंडीशन. इट डिफाइंस द सिस्टम कंडीशन इन विच दीज वेरिएबल आर एंड किस कंडीशन में ये वेरिएबल्स हैं. इस सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करता है और उसी को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन. अब क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, देखिए प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनको केएन से डिफाइन करते हैं, एंथैल्पीज होती हैं एच से जिसको कि डिफाइन करते हैं, इंटरनल एनर्जी होगा ई से डिफाइन करते हैं उसको, एंड एक लास्ट में गिब्स फ्री एनर्जी होगा जिसको कैपिटल जी से करते हैं. ये सब का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप इनके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा प्लीज़. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट फंक्शंस. अब स्टेट का फंक्शन हमें जब चेक करना होता है तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ याद रखिए, ये केवल इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, बस यही की फैक्टर है. स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल कंडीशन ऑफ द स्टेट्स. देखिए ये सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर का मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पे. ये देखिए सेकंड है ये, मान लेते हैं इसका ये इनिशियल है, ये फाइनल कंडीशन है. एंड वन वाले का, फर्स्ट वाले ग्राफ का ये फाइनल है, ये इनिशियल, तो कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा है. अगर मैं कहूँ वेरिएशन बता दीजिए डेल्टा पी के फॉर्म में, डेल्टा इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल वेरिएशन इन द प्रेशर. तो डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ द फाइनल. फाइनल में कितना प्रेशर, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ठीक है. फाइनल में कितनी प्रेशर है उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल प्रेशर को तो हमारा डेल्टा पी चेंज इन द प्रेशर पता लग जाएगा. सेम विल बी द केस फॉर द वॉल्यूम ऑल्सो. वॉल्यूम का अगर हमें पता करना है कितना चेंज हो रहा है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस थिंग इज नोन एज स्टेट फंक्शन. क्लियर हो गया ये टॉपिक, ग्राफ से समझिएगा. यहाँ पे हम पाथ चेक कर रहे हैं, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल कंडीशन. इस चीज़ को नोट करते चलिएगा, एक नोट डाल लीजिएगा हीट एंड वर्क जो होता है इसके लिए. यहाँ पर छोटा सा ऐसे नोट डाल लीजिए, लिख लीजिए हीट एंड वर्क. ये स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, ये होते हैं पाथ के फंक्शन. आपको पता हीट और वर्क पाथ पे डिफाइंड होता है, स्टेट पे नहीं डिफाइंड होता. क्योंकि आप 1 लीटर पानी लोगे तो वो ज़्यादा टाइम देगा हीटअप होने पर, आप 100 ml वाटर लोगे वो जल्दी हो जाएगा, मतलब वो अपने पाथ के अकॉर्डिंग. और उसी तरह वर्क डन भी पाथ पे ही फॉलो होता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक प्रोसेस. देखिए अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है. सपोज यहाँ से एक मॉलिक्यूल चलना स्टार्ट किया, वो इस साइड गया, देन इस साइड, देन इस साइड, देन इस साइड. अब एट लास्ट मॉलिक्यूल जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी वहीं पर वो फाइनल एंडिंग भी कर रहा है. हम आपसे कहें कि बेटा बता दो कितना वर्क डन हुआ, आप कहोगे सर क्योंकि ये स्टार्टिंग से एंड पे फिर से वहीं पे आ गया वर्क डन इज़ ज़ीरो. हम कहें कि बेटा इसका कितना इसने देखिए डेल्टा ई कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, डेल्टा ई ज़ीरो, डेल्टा पी ज़ीरो, डेल्टा टी टेम्परेचर भी ज़ीरो.
वॉल्यूम भी जीरो, मतलब हम देख सकते हैं तो सारे जितने भी स्टेट के फंक्शंस और वेरिएबल्स थे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सब क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, क्योंकि इसने इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम कर दिया। साइक्लिक प्रोसेस कोई भी होगा और उसमें आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे होगे, कोई भी एनर्जी, कोई भी एंथैल्पी, कोई भी कुछ भी, जितने भी हमने अभी तक टर्म्स पढ़े हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखिएगा सब ज़ीरो हो जाएगा एक्सेप्ट डेल्टा एच एंड डेल्टा डब्ल्यू। हीट एंड वर्क ये दो ज़ीरो नहीं होंगे, ओके। हीट कुछ ना कुछ तो रिलीज हो गया, कुछ ना कुछ काम करो, बाकी और सारे डेल्टा पी, डेल्टा ई, डेल्टा टी, डेल्टा वी सब ज़ीरो हो जाएंगे। नोट करते चलिएगा ताकि आप अपने प्रॉपर एक नोट्स बना सकें, इसलिए कह रहे हैं। अब हम आते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? थर्मल आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स हीट, मतलब डेल्टा टी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इन आइसोथर्मल चेंज इन द टेम्परेचर या चेंज इन द हीट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और यहीं से इसकी कुछ एनर्जी भी लग रही होगी, दैट इज़ डेल्टा ई विल बी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। बारिक आइसो, बारिक आइसो मीन्स होता है सेम, एंड बार प्रेशर की यूनिट होती है, तो डेल्टा पी अब ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बार प्रेशर की यूनिट डेल्टा पी। आइसो कॉरिक, कॉरिक इज़ यूज फॉर द वॉल्यूम मेजरमेंट, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो इन द केस ऑफ द आइसोकॉरिक प्रोसेस। याद रखिए दो कंटेनर में दो लिक्विड है और वो कहता है कि इट इज़ आइसोकॉरिक इन टाइप, तो वॉल्यूम दोनों का ज़ीरो होगा। एंड लास्ट में आपका क्या बोल रहा है, दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज, बताया था आपको एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट के एक्सचेंज नहीं होता, दैट मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस इन एडियाबैटिक। ये इंसुलेटर टाइप के मटेरियल्स होते हैं, तो जब ऐसा होता है तो डेल्टा क्यू। टू द टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट, इट ऑकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में ये पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इनफाइनाइट टाइम लेता है पूरे स्टेप को फिनिश होने में। कंपैरिजन करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से, ये एट वंस हो जाता है या फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम लेता है, कम समय में जल्दी से होने का जो प्रोसेस होता है उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसकी रेट ऑफ स्पीड बहुत ही स्लो होती है, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, बट यहाँ पे स्पीड काफ़ी फास्ट होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, मतलब बहुत ही जल्दी ये रिएक्शन या बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ईच स्टेप इज़ इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सब स्टेप चलते हैं। सपोज ए प्लस बी आपने किया तो ये आपको ए बी दिया, अब नेक्स्ट स्टेप में आप ए बी में प्लस सी जोड़ेंगे तो ये आपको ए बी सी देगा। देख रहे हैं एक के बाद एक यूनिट जो यहाँ पे लिखा था स्मॉल स्टेप्स, वैसे ये प्रोसेस चलता है, तभी इसमें रिवर्स होने की टेंडेंसी रहती है। जब भी हम रिवर्सेबल चीज़ों की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, दिस सिंबल इज यूज फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। तो हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है प्रीवियस स्टेप से, एंड इक्विलिब्रियम हमेशा, जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग। ड्राइविंग फोर्स जो होगी यहाँ बड़ी होगी थोड़ी सी एज़ कंपेरिजन टू द अपोजिंग फोर्स। देखिए सपोज हम एक कार को चला रहे हैं, कार स्टार्ट नहीं हो रही हमारी, तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो बंदों को बोलेंगे कि प्लीज़ इसको पुश करो, तो जब वो पुश कर रहा होगा तो उस ड्राइविंग फोर्स जो उस पर लगनी चाहिए सो दैट द कार कुड गेट स्टार्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स जो उसके टायर और रोड के बीच लग रही, जैसे उससे ज़्यादा उसके पास ड्राइविंग फोर्स आई कार आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्राइविंग फोर्स वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, एंड अपोजिंग फोर्स क्या थी, फ्रिक्शनल फोर्स जो टायर और कार के बीच लग रही थी। ऐसा केस होता है तो वहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखिए क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी वेरी वेरी मच ग्रेटर, काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। जब ऐसा होगा कि ज़्यादा बड़ी होगी तो अपोजिंग फोर्स कम बड़ी होगी, तो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा बड़ी है तो वैसे केसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये कुछ की पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल।